मणिपुर से पहला रुझान आ गया। हालांकि आपको ये भी बता दें, बहुत जगह आपको ये पता लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में तो सरकार भी बनने वाली है और बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन सच ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसके हिसाब से स्क्रीन वही है जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं जी न्यूज़ पर। सब जगह शून्य है, कहीं किसी का खाता नहीं खुला है, कहीं किसी का ढोल बजना शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इंतजार कीजिएगा। मणिपुर से पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है इस वक्त जो खबर आ रही है। तो पहला रुझान नॉर्थ ईस्ट से आया है, जहां बड़ी तादाद में वोटर्स ने अपने हौसले का परिचय दिया, वो अपने घरों से बाहर निकले, लंबी लंबी लाइनों में लग के 78% तक वोटिंग हुई थी मणिपुर में सुदीप। और पहला रुझान वहीं से आ रहा है जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। अमिताभ जी, मणिपुर के लिए एग्जिट पोल कह रहे थे कि बीजेपी इस बार कमाल करने वाली है, क्या आपको लगता है असम के बाद मणिपुर में वाकई आप स्थिति में आएंगे? रोहित जी, एक तो बात बहुत स्पष्ट समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अब एक सीमित दायरे की पार्टी नहीं होके पूरे देश की एक राष्ट्रीय सही अर्थों में पार्टी बन गई है। और मणिपुर में जब रुझानों की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ पर वो एक जो प्रमुख खिलाड़ी, एक मेन प्लेयर के नाते जब इमर्ज करके आई, बाकी के रिजल्ट में रुझान के भी अपने अपने कई जिंक्स्ड हैं कि जो पहला रुझान जिसको होता है वो हार जाता है बाद में। तो इसीलिए ये चीज़ें अलग हैं कि वो रुझान कहाँ है। ये तो आपने भी कहा पहला रुझान है, लेकिन मणिपुर में जो बीजेपी ने अपने एक जो इफेक्टिव और जिसको धमक के साथ जो अपनी एंट्री की है वो पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति को बदलने की कवायद है। और मैंने हमेशा से कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों को 1947 के बाद लगातार एक ऐसी मानसिकता में रखा है जैसे कि एक भारतीय राजनीति में अल्पसंख्यकों को और खास करके मुसलमानों को अलग से वोट बैंक बनाओ, उसी तरीके से पूरा पूर्वोत्तर जो है वो एक अलग से एक माइंडसेट से सोचे और एक तरफ वोट करे, इनसिक्योरिटी बढ़ाते हुए उसको काउंटर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जो एक जनरल इम्प्रेशन दिया है कि वी आर फॉर डेवलपमेंट, उसका नतीजा है कि मणिपुर में, असम के बाद में मणिपुर और अरुणाचल, हर जगह बीजेपी ने अपनी पोजिशनिंग बहुत ही स्ट्रेंथ की है और वहां सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। एडिशन कर दो, देखिए असम के चुनाव के बाद एक बात माहौल बना था कि वहां आरएसएस ने बहुत काम किया, पहली बार ये डिस्कशन हुआ आरएसएस के रचनात्मक काम का। मणिपुर, अरुणाचल, इन दो प्रांतों में आरएसएस और इसके विंग्स का इतना कंस्ट्रक्टिव काम है, स्कूल के द्वारा, सेवा के काम के द्वारा, उसका वोट में कंसोलिडेशन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही थी। वस्तुतः वोट कांग्रेस में और बाकी पार्टियों में जाती रही। पहली बार 2014 के चुनाव के बाद से लगातार वो वोट कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में जा रहा है और वो एक काम उभर रहे हैं, तो संगठनात्मक काम और रचनात्मक काम और नेतृत्व नरेंद्र मोदी का, ये तीनों का संयोग नॉर्थ ईस्ट में दिखाई पड़ रहा है। वो परिणाम मणिपुर में कमेंट मिश्रा से ले लें, कांग्रेस के नेता हैं। इसके साथ एक समस्या है कि नॉर्थ ईस्ट में वो जो आया राम गया राम की राजनीति जो बोलते हैं ना, वो चलती रही है। कांग्रेस ने उसका भरपूर फायदा उठाया, बल्कि मतलब हर स्टेट में अपने एजेंट्स के तौर पे उसको यूटिलाइज किया और उनको नेशनल पार्टिसिपेशन में अपनी पार्टी के अंदर कभी इन्वॉल्व नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये इस पर्टिकुलर जो ट्रेंड है इससे उभर के कोई नई राजनीति नहीं ले आ पाई है, यही हमको समझने में आ रहा है अभी। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जी, दो रुझान आए, दोनों मणिपुर से हैं और एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, एक सीट पर अन्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। मणिपुर को लेके एग्जिट पोल्स ने जो दिखाया, क्योंकि आप लंबे समय से वहां पर सरकार चला रहे हैं, आपको लगता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बात पंजाब में बीजेपी अकाली कर रहे हैं, आपको भी मणिपुर में करनी चाहिए उसकी बात? नहीं, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि चूंकि 15 साल से वो चीफ मिनिस्टर है, हमारी सरकार है, थोड़ा बहुत तो एंटी इनकम्बेंसी वहां है। और जो आर्थिक नाकेबंदी का जो दौर रहा और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के लगभग 60 मंत्रियों ने पिछले 2 महीने में वहाँ दौरा किया है। अभी हमारे बीजेपी और आरएसएस से जुड़े मित्र जो भी दलीलें दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मैं उसे सहमत नहीं हूँ। इन लोगों ने वहाँ पर जो आया राम गया राम की पॉलिटिक्स और जो मनी पॉलिटिक्स, जो रुपये का जो खेल शुरू किया है, जिस तरह से डिफेक्शन की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है, अरुणाचल उसका उदाहरण है, असम से कई भारी मात्रा में पैसे का खेल अब मणिपुर में हो रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं जो नॉर्थ ईस्ट के शांतिपूर्ण माहौल में डिस्टर्ब करने का प्रयास बीजेपी और आरएसएस ने प्लान्ड वे में किया है। तो मैं समझता हूँ वहाँ सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आने वाले समय में 1-2 घंटे में आपको स्पष्ट होगा जनता ने उन चीज़ों को कहाँ तक जी, वैसे आपके लिए आपके लिए एक और अच्छी खबर मैं आपको दे देता हूँ। सुबह सुबह पंजाब से पहला रुझान हमारे पास आया है और वो भी कांग्रेस के पक्ष में है। तो दो रुझान अभी तक हमारे पास आए हैं, एक मणिपुर से और एक पंजाब से। पंजाब तो बल्ले बल्ले है, दोनों दोनों कांग्रेस के पक्ष में ही है।
लेकिन जैसा अभी किसी ने कहा, तो हमारा क्लीन स्वीप होने जा रहा है पंजाब में, तो खामखा सुधीर जी पंजाब में तो खामखा लोगों ने आप पार्टी को इतना बड़ा बड़ा चढ़ा के पेश किया है, पता नहीं उसके क्या आधार है, लेकिन मैं मानता हूं पंजाब में हमारा क्लीन स्वीप होगा, हम भारी बहुमत से वहां सत्ता में आ रहे हैं। मैं अभी से आपसे पूछ लेता हूं, इसका श्रेय आप राहुल गांधी को देते हैं कि सरकार बनाने साहब को देते हैं? ये दोनों का, कैप्टन साहब का वहां नेतृत्व रहा है, उनका अनुभव रहा है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व, दोनों के बीच का समन्वय था, मतलब स्ट्रेटजी राहुल गांधी ने बनाई थी, सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी रणनीति राहुल गांधी ने बनाई और चुनाव लड़ा कैप्टन साहब। निश्चित तौर पे कैप्टन साहब का जो अनुभव है वो एक अनुभवी राजनेता है, पंजाब के सबसे बड़े नेता है, और अगर और राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता है, तो वो जो युवा और अनुभव का सम्मिश्रण था वो आप देखेंगे कि एक अच्छे परिणाम के रूप में सामने आ रहे हैं। और सर नतीजे खिलाफ गए तो? नतीजे खिलाफ गए तो हम समीक्षा करेंगे कि आखिर क्या कहां चूक रह गई, आखिर इतने होने के बावजूद जो नशे को लेकर जैसा कि स्मिता प्रकाश जी ने बताया था वो एक भारी समस्या पंजाब में है, और उस वजह से लोग त्रस्त थे, और मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल को 10-15 से ज़्यादा सीटें भी आने की संभावना है, बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, जितने लोग बढ़ा चढ़ा के मोदी जी और मोदी जी का व्यक्तित्व और लहर की बात करते हैं, वो लहर पंजाब में जाकर क्यों रुक जाती है? ये कह रहे हैं कि 2 साल से इनको पता था और वो इंजाम कर रहे थे फिर भी नहीं हो पा रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो राजनीति वहाँ अकाली और बीजेपी ने पिछले 5-10 साल में किया है, जनता उससे त्रस्त हो चुकी थी और उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी थी, वहाँ के नौजवान बिल्कुल ही डाइवर्ट कर चुके थे, और कहीं ना कहीं फ्यूचर जो एक नया जनरेशन का भविष्य है वो दाव पर लगा हुआ था, तो उसमें बीजेपी और अकाली दल समान रूप से दोषी है। जी जी, तो मोदी जी का प्रभाव जी, वैसे पंजाब अकेला ऐसा राज्य था जहां बीजेपी के लोगों ने पहले ही उसको डिस्काउंट कर दिया था, और ऐसा लगता है कि पंजाब, जैसे कहते हैं ना कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें, उस क्वेश्चन पेपर से उन्होंने पंजाब वाला सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया, छोड़ दिया उसको, ऐसा लगता है कि उसको उन्होंने छोड़ दिया, सोचा कि इसको तो हमें अटेम्प्ट करना ही नहीं है। तो असल में आप 5 में से 4 जगह ही लड़े, 5वीं जगह को आपने छोड़ दिया, और बैगेज आपका इतना भारी था अकाली दल का कि आपके लिए उठना मुश्किल हो गया वहाँ से। देखिए मुझे क्या लग रहा है कि पंजाब की राजनीति में 2 साल में जो गवर्नेंस में करेक्शन आना चाहिए, इस बात को सत्य को स्वीकार करना चाहिए, गवर्नेंस में करप्शन नहीं आया, और करप्शन की बातें और ड्रग्स की बातों पर जो सरकार को कर्व करना चाहिए नहीं कर पाई, और लोकतंत्र में आत्मालोचन बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो आरिफ जी ने कहा कि हर प्रदेश के चुनाव को जो विपक्ष की आदत है कि एक रेफरेंडम मान लें नरेंद्र मोदी पर, 2014 में नरेंद्र मोदी जिस दिन से सत्ता में आए, चुनाव तो दूर की बात रही, कोई घटना घटती है वही रेफरेंडम बन जाता है उन पर, विपक्ष को उस मानसिकता से बाहर निकलनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टी में अंतर है, देखिए डायनेस्टी तो हर जगह आ गई है, एक ड्राइविंग सीट पर डायनेस्टी बैठा हुआ है, एक में डायनेस्टी की का इन्फेक्शन है, तो संक्रमण होना और ड्राइविंग सीट पर बैठने में अंतर है। वहाँ अखिलेश के अलावा दूसरा नेतृत्व नहीं है, राहुल जी के अलावा दूसरा नेतृत्व नहीं है, मायावती जी के अलावा कोई दूसरा दलित नाम नहीं है। यह जो राजनीति की प्रक्रिया है उसको इस चुनाव में एक धक्का लगेगा। सुधीर जी, दिस इलेक्शन इट्स मोर अबाउट राहुल गांधी देन अबाउट मोदी। ये राहुल गांधी के फ्यूचर पे सवालिया निशान उठाता है कि जब वो अगर स्ट्रेटजी बना रहे थे पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह, और वहां पर अगर वो हारते हैं तो इट्स मोर अबाउट हिम। मोदी लहर जो है वो 2014 में वो प्रूव हो चुका है, तो ये स्टेट इलेक्शन में मोदी का असर नहीं है, इट्स राहुल गांधी के फ्यूचर के बारे में सवालिया निशान उठेगा। जितेंद्र जी हमारे साथ बहुत देर से बैठे हुए हैं, जितेंद्र जी से हम पूछना चाहते हैं कि मायावती के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि कई लोग कहते हैं बड़ा अंडर करंट है, आप उनको जितना वो डिज़र्व करती हैं उतना एयर टाइम आप दे नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो इस बार नहीं जीती, 5 साल उनको हो चुके हैं, क्या बीएसपी और 5 साल सत्ता से दूर रह पाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी तो ये कहना मुश्किल है कि नहीं जीती है, अभी तो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, और ऐसा होता है कि पार्टियाँ जीत हार लगी रहती है। मेरे ख्याल से इट इज़ टू अर्ली टू से दिस, मेरे ख्याल से आधे घंटे या एक घंटे में कुछ कहने लायक हो जाएंगे हम लोग, बट और हमें विश्वास है कि विल डू बेटर देन दी प्रेडिक्शन ऑफ दिस एग्जिट पोल्स। जी यहाँ पे मैं सुधीर जी अगर इजाज़त दे, बोलिए ना। जरूर सर, पॉलिटिक्स में, राजनीति में मुरारजी भाई कितने साल बाहर बैठे रहे,
और लौट के क्या आए, प्रधानमंत्री। इसलिए एक चुनाव, दो चुनाव, स्टेट का चुनाव, उसके आधार पे ये फैसला मत कीजिए कि कौन बाहर चला जाएगा और क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह परिस्थितियाँ बदलती हैं और ड्रामाई अंदाज से बदलती हैं। इतना हमारे पास, अगर हम इतिहास पे नज़र रखना ही नहीं चाहते और सिर्फ मौजूदा हाल में ज़िंदा रहना चाहते हैं, तो हमें आज़ादी है, हम जो जी चाहे वो कमेंट कर दें। ऐसा होता नहीं है राजनीति में कि एक इलेक्शन हारने से या दूसरे इलेक्शन हारने से लोग राजनीति में ख़त्म हो जाते हैं। राजनीति में वो ज्यादा होती थी, अब जो नेता की उम्र है वो कम होती जा रही है, क्योंकि अब डायनेमिक्स राजनीति के बदल रहे हैं, कम्युनिकेशन के डायनेमिक्स बदल रहे हैं। एक नेता जो 20-25 साल पहले होल्ड करके रखता था वोटर्स को, अब उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। जितने तेज़ी से नेता आता है उतनी तेज़ी से नेता गिर भी जाता है। तो अब ये जो नई जो पॉलिटिक्स है, या आप ये कह लीजिए कि पहले लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स होती थी, अब हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स हो रही हो, शॉर्ट टर्म नीतियां बनाई जा रही हो, रणनीति भी शॉर्ट टर्म हो रही हो, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था। और अगर आप पिछले प्रधानमंत्री देखें, मनमोहन सिंह को आप देख लीजिए, नरसिम्हा राव को आप देख लीजिए, सबकी उम्र 5-5 या 10-10 साल है। तो 10 साल मामूली उम्र होती है हिंदुस्तान जैसे, लेकिन 10 साल वो तब है खान साहब जब वो 10 साल लगातार सत्ता में बने रहे। अब मनमोहन सिंह और 5 साल बाद आपको याद रहेंगे या नहीं, ये आपको देखना होगा। इसे इस तरह देखना पड़ेगा कि पूरा सिनेरियो, जिस तरह से शिक्षा बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, लोगों के एटीट्यूड में बदलाव आ रहा है, जब तक ये प्रक्रिया जोर से शुरू नहीं हुई थी तब तक जातिगत जो लॉयल्टीज थी वो ज़्यादा मजबूत थी, आज वो कमज़ोर हो रही हैं, ये तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये कि ये कोई लीडरों के लेवल पर हो रहा है, जहाँ जहाँ कहीं आप नज़र डालिए, जहाँ पर एजुकेशन का स्तर बढ़ता चला जा रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे ये चेंज आ रहा है।